भारतीय क्रिकेट टीम अपने अगले अभियान में श्रीलंका का दौरा करने वाली है, जहां उसे 3 T20 और वनडे मुकाबले खेलने हैं। बता दें कि यह मैच 27 जुलाई से शुरू होकर 7 अगस्त तक खेला जाएगा। इस दौर से गौतम गंभीर के मुख्य कोच के रूप में भारतीय टीम के साथ कार्यकाल शुरू हो जाएगा। साथ ही हार्दिक पांड्या को T20 की स्थायी रूप से कप्तानी मिल सकती है, लेकिन श्रीलंका जाने वाले टीम से शुभमन गिल बाहर रह सकते हैं। वे हाल में ही कप्तान बनकर जिम्बाब्वे दौरे पर गए थे, यहां उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम की थी। फिर क्या वजह हो सकती है गिल श्रीलंका दौरे पर T20 सीरीज ना खेल पाए? बता दें कि शुभमन गिल जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की सीरीज में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने 5 पारियों में 42.50 की औसत और 125.92 के स्ट्राइक रेट से 170 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने 2 अर्धशतक भी लगाए। उनके रन के बाद सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों में यशस्वी जायसवाल का नाम आता है, जिन्होंने 3 पारियों में 70.50 की औसत और 165.88 के स्ट्राइक रेट से 141 रन बनाए। जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम में ओपनर्स की भरमार रही। शुभमन गिल, जायसवाल के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा भी रहे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन बनाए। गायकवाड़ ने 3 पारियों में 66.50 की औसत और 158.33 के स्ट्राइक रेट से 133, तो अभिषेक ने 4 पारियों में 31 की औसत और 174.64 की स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाए। वहीं चारों ओपनर के खेल को देखा जाए तो शुभमन के स्ट्राइक रेट सबसे कमजोर रही। उन्होंने 126 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन जुटाए। बाकी तीनों भारतीयों में से किसी की भी स्ट्राइक रेट 155 से भी कम नहीं रही। भारतीय टीम ने पिछले कुछ समय में तय किया है कि अब जोखिम लेने से बचने वाले तरीकों को छोड़कर आधुनिक क्रिकेट खेलनी होगी। देखा जाए तो भारत को T20 वर्ल्ड कप 2024 में इसका फायदा मिला था। कप्तान रोहित शर्मा ने आक्रामक रवैया अपनाकर शानदार प्रदर्शन किया और जीत हासिल की थी, और अब टीम इंडिया इसी रवैये को अपना सकती है। ऐसे में शुभमन की जगह खतरे में लग रही है।